प्रणाम। सभी तपस्वियों को पारने की शाता होगी। अब तक हमने 12 भावनाओं में से 9 भावनाएं देखी। आइए उन भावनाओं का रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनित्य भावना। इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। यहाँ तक कि ये कोरोना की बीमारी भी आज है तो कल चली भी जाएगी। दूसरी अशरण भावना। इस समय में यदि कोई शरणागत है तो प्रभु के वचन और धर्म ही सिर्फ शरणदायक है। तीसरी संसार भावना। इस जगत में सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसा ये संसार में क्षणिक मात्र भी सुख नहीं है। चौथी एकत्व भावना। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। यदि कोई हमारा अपना है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। पांचवी अन्यत्व भावना। हमने हमारे परिवार के लिए, संसार के लिए, संबंधों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इससे अच्छा जो कुछ समय मिला है वो अपनी आत्मा के लिए बिताएं। छठी भावना अशुचि भावना। ये शरीर पुद्गलों से भरा हुआ है। काफी सारी मल मूत्र अशुचि से भरी हुई है। इस शरीर को शृंगारने में समय गवाने अच्छा आत्मा को सद्गुणों से लीन करें। सातवीं आश्रव भावना। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, इन सभी से हमारा आत्मा कर्म बांधते ही रहते हैं। आठवीं समवर भावना। इतने सारे जो कर्म बांधने के रस्ते हैं, वो सारे रस्तों को हम रोक दें, ये कर्म बंद होते हुए हम रोक दें। नौवीं निर्जरा भावना। अब तक जितने कर्म बांधे हैं, उनको जड़ मूल से साफ करने के लिए तब की होली में इन कर्मों को जलाएं। और आज बात करनी है दसवीं धर्म महत्व भावना। कितने अनंताभवों के बाद हमें ये जैन धर्म मिला था, उसका इम्पोर्टेंस इन दिनों में नहीं मिला, पर अब जब ये कोरोना के लॉकडाउन में हमें समय मिला तो हम सबने देखा कई आत्माएं इस धर्म में धर्ममय बन चुकी है। इस ऑडियो को सुन के हमें एक अनुभव जानने मिला। एक श्राविका बेन ने कहा, शादी के लगभग 19-20 साल हुए हैं, आज तक कभी हमारे पति ने हमारे घर पे सामयिक लेके नहीं बैठे, पर जब आज इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्हें घर पे सामयिक लेते देखा तो मन बेहद खुश हो चुका है। यानी कि इन दिनों में हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। शासन में परमात्मा ने चार प्रकार के धर्म बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। दान यदि सुपात्र को किया जाए, यानी साधु साध्वी जी भगवान, और सुश्रावक श्राविका यानी सहधर्मी साधर्मिकों को, तो ये दान पक्का मोक्ष का निमित्त बनता है। पर जो हम अन्य ज्ञाति को दान करते हैं, जैसे अनुकंपा दान करते हैं, वो हमें इस भव में और परलोक में भौतिक सुख सामग्री प्रदान करता है। शील पालने से काफ़ी कर्मों का संवर होता है। तप करने से तो हमें पता है निर्जरा होती है, और भाव धर्म आत्मसात करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इन सब का मूल है भाव धर्म। यदि माछी मार को माछले पकड़ते भी केवल ज्ञान हो सकता है, कुरगुड़ू मुनि को आहार वापरते भी केवल ज्ञान होता है, गुण सागर जी को लग्न की चोरी में फेरे फेरते हुए भी यदि केवल ज्ञान होता है, तो इन सब के पीछे कोई आधारभूत है तो वो है भाव धर्म। और भाव को बढ़ाने के लिए द्रव्य वे उत्तम से उत्तम होना चाहिए। इसीलिए कोई भी हम क्रिया करें, हमारे भाव क्वांटिटी क्रिया की इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो क्रिया, वो सामयिक, वो पूजा, वो देव वंदन, उसमें हमारे भाव कितने बड़े वे इम्पोर्टेंट है। आज धर्म महत्व की भावना के अंदर एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस, एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रविवार को जब लॉकडाउन की न्यूज आई, उन दिनों में एक मुंबई के पुण्यात्मा कुछ कारणों से एक महात्मा को मिलने कुछ दूरी से, लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी के आसपास की एक स्थल पे मिलने गए थे। वहां पे रविवार रात को पता चला कि अभी तो लॉकडाउन हो चुका है, बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। ऐसा लगा कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन बिताए तो समझ में आया कि ये लॉकडाउन जल्दी बीतने वालों में से है नहीं। ये पुण्यात्मा ने आज तक कईयों को उपध्यान करने में निमित्त बने थे, हेल्पफुल बने थे। इस बार महात्मा ने उन्हें प्रेरणा की, मौका अच्छा मिला है, आप अढ़ारिये में बैठ जाओ। गुरु आज्ञा तहती करके वे अढ़ारिये में बैठे।
इस पूरे के पूरे विश्व में जैन ज्ञाति में शायद शायद कोई भी ऐसा श्रावक नहीं होगा जो आज पौषशाला में रहेगा। ये एकमात्र व्यक्ति है जो आज उद्यान में है और लगभग लगभग इनकी आगे की भावना पूरा उद्यान करने की है। हम सब उन्हें तहे दिल से उनकी अनुमोदना करके उन्हें बहुत सारी शाता प्रदान करते यही परमात्मा से अपील करते हैं। तो ये है धर्म महत्व भावना। इस वक्त में हमें धर्म सूझ रहा है और ये अच्छी बात है। बस इस धर्म की लागनी को, इस धर्म के प्रचार को, इस धर्म की क्रिया को इस वक्त में और ज़्यादा से ज़्यादा मक्कम बनाए, जिससे पूरे विश्व की शांति में हम निमित्त बन पाए, हमारी भक्ति निमित्त बन पाए। यही प्रेरणा के साथ आज की धर्म महत्व भावना हमें हमारे मन में घूटती रहनी है।